अंदर जेड़ियां पांच कब्रां ने ऐ ने ओह पीर हज़रत पीर गुल हुसैन साहब ने ते अगू नाल है चार उन्हां दे अगू जेड़ी लड़ी दे विचों ये। वेलकम बैक टू सुफियान वलॉग, की हाल चाल है सारयां दा? उम्मीद करना सब ठीक होंगे। मेरे नाल ने खिजर भाई, असीं अज आए हैं ढोडे शरीफ दरबार से, जिहड़ा कि काफ़ी ज़्यादा साढ़े इलाके का मशहूर दरबार है। तो साड़ी कोशिश यही होंगी कि साढ़े इलाके के जिन्ने भी मशहूर दरबार या जगह ने, कोई भी इस तरह का कोई चीज़ा ने, वो तुहानू दिखाइया जान। तो अज असी आए हैं ढोडे शरीफ दरबार से, अज आता मुकम्मल सब कुछ इनफॉर्मेशन लैके तुहानू इंशाल्लाह दसांगे। तो वीडियो पूरी देखो, इंशाल्लाह तुहानू पसंद आएगी। असी जिहड़ी पंजाबी च वीडियो शुरू की, क्योंकि साडा जिहड़ा गाँव है, गाँव के मतलब असी वीडियो बनानी होनी, तो इस वजह तो सानू जरा पंजाबी ज़्यादा सूट करती है, इस वजह तुसीं पंजाबी शुरू की है। तो उम्मीद करें तुहानू पिछली वीडियो भी पसंद आई होगी। पिछली वीडियो जिन्हें नहीं देखी वो भी देखो, इंशाल्लाह तुहानू मज़ा आएगा। तो यह भी वीडियो पूरी देखने, इंशाल्लाह तुहानू जरूर मज़ा। अस्सलाम, क्या हाल चाल? आप ठीक हो? क्या हाल चाल? यह जड़ा है दरबार का एंटर होंद ग्राउंड है, काफ़ी प्यारा माशाल्लाह ग्राउंड बनाया ना। पढ़ते हैं दूसरा यह देखो ना, उस सामने मस्जिद है, नाल ही दरबार है बिच। यह जो नवा बन रहा है एक इधर वाली साइड जी नवी, वो सामने लंगर है ना, वो भी तुम दिखा दे। इधर जरा जुमे वाले दिन सारा इंतजाम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत जो प्यारे फूल वगैरह भी लगाए ने। सामने जड़ा है वो मेहमान खाना लिखे है, दूरों आवे ना ते उधर रहन होते ना रिहायशी ते कमरे वगैरह। सामने जड़ा लंगर खाना जिथे मतलब बिठा के लंगर करवाते ने, वो उत्ते कमरे ने थले स्टोर ने, राशन स्टोर है सारा इथों लैके। तो कमरे होने हाँ काफ़ी ज़्यादा, वो उत्थे तक एंड तक सारे जड़े ना, वो एंड तक वो सारे कमरे ने, मतलब जिथे मेहमान कि कोई दूरों आ जाते इतने रह सकता है। यह जड़ा लंगर खाना जिथे बिठा, जिथे असी गए सी डाइनिंग मतलब जिथे बिठा के ते लंगर करवांदे ने, लंगर खाना सी जी, लंगर खाना ते उधर जिथे सब नहीं उठे बंद है ना, इथे खवांदे ने, इथे खवांदे ने। जिन्नी उत्ते नज़र आ रहा सारी उत्ते रिहायश गा, जिथे मतलब मेहमान कोई भी आ जाए ते प्रॉब्लम नहीं होंदी है। काफ़ी ज़्यादा कमरे ने देखना, तोड़ तक है सारे, वो पीछे तक दूर तक सारे कमरे ने, 20 कमरे हैं तकरीबन। तो इन्ने मतलब इतने जुम्मे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा रश होंगे, ऐसे आम दिन च नहीं है। अगले दिन कुछ दिन पहला ना इतने उर्स भी सी, उर्स तो साढ़े को नहीं आन होया। सारा जड़ा दरबार का हिस्सा है, अगुए एक साइड तो नवा बन रहा है, लंगर खाना सारा देखो साढ़े पिछे जड़ा इतने मतलब तैयार होंगे सारा लंगर, सारा लंगर खाना। इधर रोटियां बन दिया, इधर सालन वगैरह बन दिया। सारी जड़ी है न्यू ये तैयार हो रही है, अजय अभी अंदर तो हम दिखाने सारी, क्योंकि रश ज़्यादा होंगे तो जगह इन्ना को थोड़ी है दरबार की जी, इस वजह से मैं इधर भी तैयार कर देना। देखो जो इतना लंगर तैयार होंगे सैड पर ना चूल्हे बनाए सारे तोड़ तक सारे ना, जो ज़्यादा मतलब लंगर तैयार करना होंगे तो फिर इतने तैयार कर देने। दो अगे तक सारा दरबार है, अगों नवी बिल्डिंग से चलने तुम दिखाने सारा, इतनी आ गई है थक गए ने, ये तो मेन दरबार गए नहीं आज भी भाई है भाई, हिजर नू थकावट हो गई वाह सारी। नहीं मन लगता अज ना स्टिंग नहीं पीती है भाई ने, इस वजह हम वहाबी हैं यार। ए भाई जरा दरबारा नहीं मानते ना, सॉरी नहीं मानते ने, लेकिन उन्होंने मानते ने जो सही पीर ने, मतलब जो सिर पीड़ ना हो। सारी मस्जिद का हिस्सा नवा बन रहा, सारा मस्जिद का हिस्सा है, पूछा जिस टाइम बन जाए कि फिर आए मस्जिद, क्योंकि पिछे जी छोटी है उस वजह नाल पिछे दरबार भी है, उस वजह तो इन्ना फिर हूँ जड़ा ज़्यादा वड्डी कर दीती है कि प्रॉब्लम ना बने। सारी अगे तक दूर तक सारी मस्जिद है ना बनाई,
हुण उत्थे तक मस्जिद हो गई है जिहड़ी पिछे पहलां इत्थे तक है ना मस्जिद, हुण है ना दूसरी जिहड़ी मस्जिद है उह मतलब अगे वड्डी कर दित्ती। बड़ा प्यारा कम कर रहे ते दरबार भी माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। सारा दरबार ते इत्थों आ के फिर दरबार की एंट्रेंस इधर भाई तो नज़र आ ही रहे होने जो एंटर हो गई नाल ही है अंकल हो जी ने मुहम्मदार कह रहे मैनू 9 साल हो चले ने इत्थे ते सानू इस बारे थोड़ा जिहा मजीद इनफॉर्मेशन दे देंगे कि दरबार किन्ना चिर हो गया बने दरबार काफ़ी अच्छा दूसरे जिहड़े हुण तीर्था फोत होए ने इन्हां दा तकरीबन सन 2012 ठीक बाजू की है गैस हो जाती है सही है तो मतलब एंड पीर मोहम्मद अहमद कासमी कादरी साहब ने पहला फोत हुए तो इन्होंने वाले साहब बाद चो पीर आदर शाह साहब यानी कि सैयद ने अच्छा अच्छा ठीक है चलो जी हूँ अगे चलने दरबार देखो ए सारा जरा इन्होंने दरबार च लिखे है मैं तुम बैक कैंप पीर मुहम्मद अहमद कासमी कादरी साहब ए पहला फोत हुए थे ना देखो ना इन्होंने लिखे है वसाल आपका वसाल सारा लिखे साहबजादे जड़े ने पहला फोत हुए हैं उन्होंने वालिद साहब जड़े ने बाद फोत हुए हैं दो साल मतलब एक ही साल च फोत हैं लेकिन ना मतलब थोड़े वक्फा सी थोड़े जी डिफरेंस सी ते देखो बाकी जड़े पैदाइश वगैरह तो सारा लिखे इन्हों के बारे जे एम ओ पीर साहब ने पीर मुहम्मद अहमद कादरी साहब हैदर शाह साहब जो इन्होंने वाले साहब ताया जान अच्छा मतलब ए पीर मुहम्मद शफी कादरी साहब जड़े ने मतलब ए सारी इन्हों की लड़ी चाह ए ताया जान ने ए वाले अहमद पीर हैदर शाह साहब मतलब हूँ कोई इतने पीर साहब नहीं है जिते वजू करी दा है अभी वसी निज़ाम है दा काफ़ी वड्डा है इन्हें निज़ाम बनाया एंड अंकल होरी दस रहे कि जड़ा ना इतने हूँ फिलहाल फिल वक्त जड़ा ना पीर साहब कोई भी नहीं आया ना जड़े हैं सन वो फोत हो गए हैं इन्हें दसा पीर साहब जो ने उन्हें की दसा मतलब हूँ पीर साहब इतने कोई नहीं है कोई पीर नहीं है दरवेश ही नहीं सही है नाल मस्जिद है काफ़ी प्यारी है ना बनाई माशाल्लाह सारी मस्जिद है दरबार सामने दरबार आलिया कादरिया कासमिया मतलब जिन्हें भी पीर साहब फोत हुए ने सारे दे अंदर कब्र ने ते वो अंकल जिस तरह दस रहे कि भाई अंदर जड़ा है मतलब हूँ पीर साहब जिन्हें भी इन्हों की लड़ी च सारे फोत हो गए ने हूँ इतने पीर साहब कोई नहीं आने वैसे लेकिन फिर भी इन्हों निज़ाम बहुत अच्छा है देखे साइड इन्हों के जिन्हें भी फोत हुए ने रिश्तेदार सारे ने इतने कब्र ने ए ऐसे वजह तो उन्होंने अगे जी मस्जिद बनाई है ऐसे वजह तो बनाई है क्योंकि इतने दरबार है तो नाल ही मस्जिद भी है जिस तरह कि तुम देख सकते हो पिछे मस्जिद सारी ज्यादा इस वजह तो मस्जिद जी छोटी थी उस वजह तो अगे वधा के इन्ना वड्डी कर ली। अस्सलामु अलैकुम क्या हाल चाल जी ठीक हो कैसी तुम ठीक ठाक किन्ने चिर इत्थे बैठे रहिंदे हो किन्नी देर तक इत्थे बैठे रहिंदे हो तुसीं हाँ जी सुबह तो लेके शाम तक सही ठीक है बहुत शुक्रिया अंकल होरी इत्थे ड्यूटी दी बड़ी सोहनी आ रही है ना माशाल्लाह दर्द खत्म हो जाता है सही है ना
इक बार सारा दरबार है पीर हैदर शाह साहब ने नाल पीर मुहम्मद अहमद कादरी साहब ने जो दिखाए थे ते नाल मुहम्मद शफी कादरी साहब ने नाल सैयद अमीर कादरी साहब ने पीर गुल पीर पीर कादरी साहब मतलब दर्द की वजह अच्छा अच्छा हाँ जी मतलब ए दर्द शर्द जिन्ना हो यकीन की गल होंगी सर यकीन की गल ठीक मसला सारिया जिन्हें भी इन्होंने कबरां ने सारे कट्ठिया ने जिस तरह दिखाया है देखिए माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा दरबार पिछे इन्हों की सारी हिस्ट्री लिखी है उन्हें तो थोड़ी जी रोशनी घट है नहीं तो तुम आप ही दिखा दे नहीं आ रही नज़र नहीं देखिए लेकिन वो बाहर है तुम दिखा बाहर भी दिखा दें कोई मसला है देखो इतने ना लवाइया ने कि खोल के इतने तुम बह के कुरान मजीद वगैरह पढ़ सकते हो यासीन वगैरह पढ़ सकते हो जो कुरान मजीद वे हर एक दिन लगी हैं वो मर्जी खोल के कर लो श्याम साहब मार लो गोडिया अपने तो थोड़े गोडिया में बड़ा मसला है इतने थोड़े गोडिया में मारा मतलब जेड़ा इत्थे पीर साहब नहीं आना तो दरवेश होंगे न दरवेशा ने सारा निज़ाम संभाले है सारा निज़ाम वही संभाल दे ना टोटल नहीं टोटल जेड़ा ना वो अलकासम ट्रस्ट बनी है इन्हां दी एक कमेटी अलकासम ट्रस्ट उहदा नाम है वो पूरा मतलब जिन्ना भी इन्हां दा निज़ाम है सारा वो संभाल दे ना जिन्ना दरबार का काम होंदा जिन्ना कोई मदरसे का काम होंदा वो सारा अलकासम ट्रस्ट संभाल दी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्हों का इंतजाम है तुम देखे सारा तो दरबार भी देख सकते हो कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कम हो सारा इंतजाम वही संभालते हैं इन्हों का मदरसा भी काफ़ी प्यारा माशाल्लाह इतों तुम सारा दिखाने पिछले दिखाने सारा तुम बहरों दिखाने मस्जिद भी काफ़ी प्यारी अगू पिछे सारा जिन्ना भी है सारा तुम दिखाने तो पिछे भी मदरसा भी बने उत्ते भी लिखा जामिया कादरिया कासमिया बकायदा लिखे है ना भी देखो ना दरबार है दरबार के पिछे ही मदरसा बच्चे पढ़ रहे हैं सारे माशाल्लाह काफ़ी प्यारा इन्हों का सरकट है अलकासम ट्रस्ट जी इन्हों की कमेटी है उसकी कारकर्दगी तुम खुद देख सकते हो कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी है इन्हों की सारा मदरसा है जिसे बच्चे पढ़ते हैं सारे बच्चे भी लगभग होने 100-150 के करीब होने ने सारे बच्चे पढ़न लगे ने इस टाइम इन्हों का पढ़न का टाइम है इस वक्त इन्होंने डिस्टर्ब नहीं करते है तो थानू अंदरों मस्जिद दिखाने सारी देखो ना पिछे सारी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है तो लंगर का भी इंतजाम है तो हिजर भाई जड़े ने बस लंगर की वेट कर रहे हैं कि चली हूँ असं उधर चल के उत्थे लंगर करिए पहला लंगर भी करने हैं लेकिन पहला असी जरा वीडियो बना लीए पूरी मुकम्मल देखो जी है टोटली शीशे का काम होया
अंदर चल लिए। आओ खिजर भाई चाचे भी माशाल्लाह। ए देखो सर्दियों की वजह तो इन्हें पंखियां उत्ते पखे ने जड़े पंखे इन्हों के उत्ते अखबार चाड़ दी कागज़ चाड़ दिता कि खराब ना हो। टाइम 2:45 मस्जिद देखो है हूँ वड्डी हो जाएगी क्योंकि मस्जिद थोड़ी छोटी है। इस वजह तो हम अगर बिल्डिंग नवी बना रहे हैं कि मस्जिद वड्डी हो जाए, दरबार है पिछे, फिर नाल मदरसा भी है। उस वजह तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है जुम्मे वाले दिन। वैसे भी कोई उर्स वगैरह ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई उर्स वगैरह हो या जुम्मे वाले दिन या कोई और मतलब हाँ महफिल वगैरह हो तो उस वजह तो थोड़ा जहा मसला बन जाता है कि जगह नहीं होंगी है। फिर बाहर आवाम बिठाना पैंता ठंड भी सर्दी की वजह तो काफ़ी प्रॉब्लम होंगी बंद। उस वजह तो बंद प्रॉब्लम की वजह तो जोड़ा अगे हूँ मस्जिद जी वी कर रहे हैं उन्हें अगर काफ़ी व्डा हाल बना रहे हैं जिन्ना मतलब है सारा है सारी दरबार की जगह है तो मस्जिद की मिला के होंगी है इन्नी है अगर मस्जिद अगर और वीडी तमीर कर रहे हैं कि ताकि भाई कोई मसला ना आए अगू आने वाले वक्त च और ज़्यादा मसला ना आए कि दोबारा इन्होंने इंशाल्लाह है कि बनानी पैन लगी इन्नी वीडी मस्जिद ज़ियारत भी होगी। शुक्र असी अल्लाह का शुक्र अदा करना कि असी अल्लाह के वलियां नूं मनन वाले हाँ ते असी उन्होंने मानने जेडे कि सच्चे पीर होवन ना कि सिर पीड़ होवन ते वाकई अल्लाह के वली सन। काफ़ी ज़्यादा आवाम साड़ी जानन वाली जी इन्हों मानती है। मुकम्मल डिटेल लिखी है कि कदों उर्स मुबारक होंदा है, कदों महफिल होंदी है, कदों इत्थे मेला भी एक लगता है वह भी है। दूसरा हज़रत पीर गुल साहब तो शुरू होया, फिर अगों हज़रत पीर सईद अमीर साहब सन, फिर पीर मुहम्मद शफी साहब सन, फिर पीर हैदर शाह साहब सन, फिर पीर मुहम्मद अहमद कासमी कादरी साहब सन। तो यह सारे इन्हों तो पीर हज़रत पीर गुल हुसैन तो शुरू होया है। तो 1916 फोत होए ने साल इन्हों का होया, तो लेकिन देखो 1916 तो पहला तो है निज़ाम चल रहा है तो उदू तो लैके हूँ तक हूँ 2020 तक अलहमदुल्ला ठीक चल रहा सारा निज़ाम। तो उत्ते देखो इन्ह दियाँ अंदर जड़िया पांच कब्र ने ही ने पीर हज़रत पीर गुल हुसैन साहब ने ते अगू नाल है चार उन्होंने अगू जी लड़ी के चल रहे ने ही ने इन सारे का मतलब मुकम्मल डिटेल भी अंदर लिखी है। इतने भी डिटेल इस तरह ही लिखी है, इस तरह ही उत्थे भी लिखी है, तुसी दे सकते हो सारी डिटेल लिखी है। तो यह पीर अहमद कादरी साहब ने 2012 च फोत होने अगू नाल उन्होंने वाले साहब ने तो बाद च फोत होने तेन नाल ताए जान कदों फोत हो पहले भी फोत हो गए 1976 च फोत हो गए ने 1976 बाद फिर उन्होंने जड़े हाँ जी हैदर शाह साहब उन्होंने भाई ने वो गद्दी नशीन होए थे तो उन्होंने बाद उन्होंने बेटा होया, लेकिन वो हक सन उदे तो बाद फिर जिस टाइम वो विसाल किए ने उन्होंने बाद फिर उन्होंने वाले साहब भी विसाल कर गए सारी डिटेल इतने बकायदा लिखी सारी ए टू ज़ेड। अंकल साढ़े नाल काफी ज्यादा ताउन किता बोल चुके हैं। अंकल और यात्री होंदे ने जलालपुर सोभती आते हैं अंकल होरी तो काफ़ी ज़्यादा ना साढ़े नाम किया बहुत अच्छे अंकल ने इंशाला बड़ी बारी से है तो जरूर तुम जी वीडियो पसंद आई होगी तो दरबार भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। जोड़े बंदे जानते हैं उन्होंने तो बेहतर पता है कि वो इतने आते रहते होने साढ़े चैनल जरूर सबसक्राइब कर दौ, लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो तुम्हें वीडियो किस तरह की लगी है। ऐसे दे इजाजत मिलने अगली वीडियो उद तक।